Hello children, thanks a lot for all the appreciation for the strategy I had uploaded recently in the video how to score 100% marks in English board examination for class 12. लास्ट वीडियो में थ्योरी पेपर की स्ट्रैटेजी का डिस्कशन हमने किया था. अब हम बात करेंगे इंटरनल मार्क्स की. इंटरनल मार्क्स का वीडियो टू पार्ट्स में होगा, स्पीकिंग एंड लिसनिंग सेपरेटली, जिससे आप मैक्सिमम गेन कर पाओ एंड डिफरेंट स्ट्रैटेजीज में कंफ्यूज भी ना हो. इन केस यू मिस द वीडियो हाउ टू स्कोर 100% मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन, देन यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड. सेशन 2019-2020 से इंग्लिश में 20 मार्क्स इंटरनल स्टार्ट हुए बोर्ड एग्जामिनेशन में, जो ASL के बेसिस पर जज होते हैं. ASL स्टैंड फॉर असेसमेंट फॉर स्पीकिंग एंड लिसनिंग. आपके इंटरनल में 10 मार्क्स स्पीकिंग एक्टिविटी के होंगे और 10 मार्क्स लिसनिंग एक्टिविटी के. आई रिपीट, आई विल मेक सेपरेट वीडियोज फॉर स्पीकिंग एंड लिसनिंग एज वॉट स्ट्रैटेजी शुड बी अप्लाइड इन ऑर्डर टू गेट फुल मार्क्स हियर. So guys, don't miss any of the parts out of the two if you want to score full marks, that is 20 on 20 in internal. So let's begin with the strategy as how to prepare yourself for speaking activity. So tip number one, सबसे पहले मैं बात करूंगी speaking activity में जो आपको marks मिलते हैं उनके parameters की, meaning किस basis पर आपको marks दिए जाते हैं. ये parameters हैं content, fluency and language. कंटेंट मीन्स आपका मैटर, दैट इज स्पीच टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं. फ्लुएंसी शोज योर कॉन्फिडेंस एंड हाउ प्रिपेयर्ड यू आर विद योर कंटेंट, और कितने एक्सप्रेशन के साथ आप अपने स्पीच को डिलीवर कर रहे हो. गाइज, लैंग्वेज विल इंक्लूड द चॉइस ऑफ वर्ड्स, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेज एंड ग्रामर यूज्ड इज करेक्ट और नॉट, अलॉन्ग विद प्रोनाउंसिएशन. टिप नंबर टू, चिल्ड्रन रिमेंबर, आपका कंटेंट रेलिवेंट होना चाहिए एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द टॉपिक भी आपको फुलफिल करना है. फॉर इंस्टेंस, आपका टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन्स, तो इसमें आप मोबाइल फोन्स की डेफिनेशन देने के बाद उसके डिसएडवांटेजेस के ही बारे में बात करोगे एंड एडवांटेजेस के बारे में नहीं, बिकॉज टॉपिक की रिक्वायरमेंट ही ये है. सपोज आपका टॉपिक है मोबाइल फोन, then you will define a mobile phone and then talk about its advantages and disadvantages both. So I hope that's clear. Tip number three, next you must understand that since it's a speech, it must be delivered emphatically and assertively. Meaning, आप अपनी speech कैसे deliver कर रहे हो ये बहुत matter करता है. आप convincing and confident way में speech deliver करें. जैसे मैंने अभी बताया, कंटेंट रेलिवेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा बिकॉज यू विल बी कन्विंस्ड कि आप जो बोल रहे हो वो अप्रोप्रिएट है. टिप नंबर फोर, नाउ रिमेंबर यू मस्ट कम अप विद अ लॉट ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन सिंस इट्स अ स्पीच. अपने आप को स्टेज पर इमेजिन करिए. थिंक हाउ विल यू एड्रेस अ क्राउड एंड नॉट ओनली दैट, आप कैसे अपने ऑडियंस को कैप्टिवेट करके रखोगे, बिकॉज देखो स्पीचेस एंड लेक्चर्स सबको बोरिंग लगते हैं. सो आपकी स्पीच में वॉइस मॉड्यूलेशन ज़रूर होना चाहिए, कहीं लाउड एंड कहीं सॉफ्ट, कहीं पर पेस स्लो और कहीं फास्ट. नंबर फाइव, मोरओवर चिल्ड्रन, अ गुड स्पीच विल हैव स्टेटिस्टिकल डेटा टू. तो आप जब स्पीच लिखते हैं तो थोड़ा रिसर्च करके उसमें रेलिवेंट डेटा ज़रूर इंक्लूड करें, बट मेक श्योर इट्स करेक्ट बिफोर यू यूज एनी स्टेटिस्टिकल डेटा इन योर स्पीच. नंबर सिक्स, अपनी स्पीच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें कोटेशंस, एग्जांपल्स, फैक्ट्स ज़रूर इंक्लूड करें. इनफैक्ट आपकी स्पीच कोटेशन या थॉट या किसी वन लाइनर से स्टार्ट होनी चाहिए. फॉर इंस्टेंस, Thomas Edison once said, many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. Likewise guys, speech ko end karne ka sabse acha tarika yahi hai ki you end it with a quotation or a thought. For example, hence I would like to conclude with the enlightening words of Mother Teresa. Spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without leaving happier. Next tip, children,
Remember, you must begin your speech with your strongest point and end with another strong point. Hence, I would also like to include that you must begin with a salutation. For instance, this is how you begin. A very good morning to one and all present here. Today I stand here to speak on the topic, each one, teach one, or whatever the topic is. At this juncture, also note that you're gonna end your speech with a thank you note. Next tip, children, bear in mind that you must present your speech in a positive light. Even if aapka topic challenging ho and is, you know, it talks about a problem. For instance, let's say the topic is the evil of child labor. हमें उसके बारे में पॉजिटिवली बात करनी है, मीनिंग वी मस्ट साउंड पॉजिटिव दैट द प्रॉब्लम कैन बी टैकल्ड विद और हम उसको इराडिकेट कर सकते हैं. एंड साथ ही वी मस्ट गिव सजेशंस एज हाउ इट कैन बी इराडिकेटेड एंड हाउ दीज चिल्ड्रन कैन बी हेल्प्ड आउट ऑफ चाइल्ड लेबर. उसके साथ ही वी कैन मेक अ मेंशन ऑफ अ नेम और टू ऑफ द सोशल एक्टिविस्ट्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस कॉज. सो उसके लिए थोड़ा सा हमें जनरली अवेयर भी होना चाहिए. नेक्स्ट स्टेप चिल्ड्रन, जब आप स्पीच प्रिपेयर करोगे तो माई सजेशन इज नॉट टू राइट अ पैराग्राफ, रादर आप पॉइंट्स लिखिए. वेयर ASL इज कंसर्न्ड, 10 पॉइंट्स सफिशिएंट हैं बिकॉज इंक्लूडिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कोटेशंस प्लस सैल्यूटेशन इट विल बी क्लोज टू 2 मिनट्स, जो आपकी स्पीकिंग एक्टिविटी के लिए एब्सोल्युटली सुटेबल टाइम लिमिट है. When you have written the points, another very important point, please understand this, circle the keywords. तो इससे ये होगा कि अगर आप फुल सेंटेंस नहीं भी याद करोगे तो यू विल एनी हाउ रिमेंबर द कीवर्ड्स एंड फाइनल प्रेजेंटेशन में मोर और लेस आप सेंटेंस फॉर्म कर ही लोगे. टिप नंबर 10, फाइनली चिल्ड्रन, रिमेंबर टू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर एग्जैक्टली इन द सेम वे एज़ यू गोना गिव योर फाइनल प्रेजेंटेशन एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स. This will boost your confidence and prepare you extremely well for your speaking assessment. And as you speak in front of the mirror, make sure your posture is right. Hands may be kept at the back or clasped and avoid too much of hand movement. Concluding tips, children. In a nutshell, before the final presentation, when you write the points for your speaking activity, this is how we're gonna go ahead with it. Here is, as a suggestion, I'm giving you the clues for those 10 points that you're gonna write as your content. So, first of all, we begin with an opening quotation. You may even begin with the salutation first. But my suggestion is, a good speech should open with a quotation. Next will come the salutation, introduction, definition. According to a recent study, there is no denying the fact that I would like to emphasize the need for statistics say that, therefore it is imperative that, hence I'm sure through all the above mentioned reasons, thus to conclude, closing quotation and a thank you note. I assure you children, if this is how you prepare for the speaking activity, that is for your ASL, you will surely get full marks. Make sure you don't miss the second part of this video, jo ASL listening activity ke liye kaise prepare karna hai aapko, us par based hoga. Please like the video and share it. Do subscribe to my channel. Yes, it's extremely encouraging when you subscribe and comment, guys. All the best, be positive, God bless you all.